तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और नई जानकारी एक और नई अपडेट। दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड एक और नई जानकारी एक और नई अपडेट। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि वेटनरी डिप्लोमा की स्पॉट काउंसलिंग होगी नहीं होगी, आपको एडमिशन मिलने के चांस हैं कि अभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी स्पॉट काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो नोटिफिकेशन है ये यूनिवर्सिटी से काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुका था, लेकिन इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत BVSC एंड AHVFSC एवं पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड नई जानकारी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्रोशर है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसे हम आज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ का अगर हम बात करें VVSC एंड AH की, तो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग दिनांक 7/1/2021 से प्रारंभ होकर 3 चरणों में संपन्न होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने साफ देख रखा है 3 चरणों में संपन्न होगी, तो 3 चरण इसके हो चुके हैं, मतलब अब काउंसलिंग नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें BFSC की, तो इसकी केवल एक ही काउंसलिंग होनी है जो कि 1/2/2021 से प्रारंभ होकर 1 चरण में संपन्न होगी, तो इसकी भी काउंसलिंग हो रही है फ्रेंड्स और हो भी चुकी है लगभग। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग दिनांक 8/1/2021 से प्रारंभ होकर 3 चरणों में संपन्न होगी, तो फ्रेंड्स इसके 3 चरण हो चुके हैं, लेकिन लास्ट ईयरों में ऐसा हुआ है कि इसकी सीटें फुल नहीं भर पाती थी दाहेट की, तो इसके लिए एक स्पॉट काउंसलिंग का आयोजन किया जाता था प्रतिवर्ष, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। इसमें साफ दे रखा है चतुर्थ स्पॉट काउंसलिंग विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष निरस्त की जाती है। फ्रेंड्स, ये ऐसा इसलिए है कि इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, एक बार अखबार में भी आया था काउंसलिंग से रिलेटेड नई जानकारी कि इस बार केवल 3 काउंसलिंग होनी है, क्योंकि कोरोना काल के कारण आप सभी को कॉलेजेस नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर आ जाएंगे स्पॉट काउंसलिंग में, तो प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स ये सभी के लिए। तो इस वर्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दे रखा है स्पॉट काउंसलिंग विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष निरस्त की जाती है, और इस पर मैं पहले वीडियो बनाया है जब अखबार में आया था एक बार कि इस बार केवल ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, और सीटें भी फुल हो चुकी हैं लगभग। और बाकी फ्रेंड्स, जितनी भी सीटें खाली होंगी तो वो वहीं पर भर जाएंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अपग्रेडेशन करा लेंगे काफ़ी स्टूडेंट्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि इस ईयर भी काफ़ी जल्दी ही इसके फॉर्म दाहेट के गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, वो इसकी फिर से तैयारी करने लगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसका सिलेबस मैं चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर भी इसकी कोशिश कर सकते हैं।